अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी अंसार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर बैंकर। दोस्तों, थर्सडे स्टेट बैंक ने एक नई इंस्ट्रक्शन जारी की है और ये इंस्ट्रक्शन जो है नेशनल सेविंग सेंटर के जो कस्टमर हैं कमर्शियल बैंक से, वो कुछ सर्टिफिकेट्स परचेज करते हैं या प्राइस बॉन्ड परचेज करते हैं, उनकी इनकैशमेंट करते हैं या प्रॉफिट हासिल करते हैं, इसी तरह स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो के कमर्शियल बैंक्स के से परचेज किया जाता है, इन कैश किया जाता है या वहाँ से प्रॉफिट हासिल करते हैं, उसके लिए नई डायरेक्शन, नई इंस्ट्रक्शन स्टेट बैंक ने थर्सडे जारी किए हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जनवरी 2020 में एक सर्कुलर जारी किया गया था स्टेट बैंक की तरफ से और वो था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्ट। तो इस एक्ट के थ्रू ऐसे तमाम कस्टमर जो के नेशनल सेविंग सेंटर में लेन देन कर रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट्स परचेज किए हुए हैं, उनके लिए लाजमी था कि उनका जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का एक्ट है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसमें ऑब्टेन की गई थी, हासिल की गई थी कस्टमर से, ताकि जाना जा सके कि उनके पास जो आमदन के ज़रा हैं वो लीगल हैं या नहीं हैं, वो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कहाँ से पैसा आया है। तो इसको KYC भी कहते हैं, नो योर कस्टमर। नेशनल सेविंग में इम्प्लीमेंटेशन के बाद अब स्टेट बैंक ने नई इंस्ट्रक्शन जारी की है कि ऐसे तमाम कमर्शियल बैंक जो कि इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं कि कुछ कस्टमर्स उनसे नेशनल सेविंग सेंटर्स के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स या स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स या प्राइस बॉन्ड्स परचेज करते हैं और परचेजिंग करने के साथ इनकैशमेंट भी कराते हैं, यानी वापस भी कराते हैं और उसके साथ साथ प्राइस बॉन्ड का भी लेन देन करते हैं। तो स्टेट बैंक ने ये कहा है कि अब उनके उनको भी जो AML एंड CFT रूल है 2009 का, उन पर भी इम्प्लीमेंट होगा, यानी उनसे भी अब इंफॉर्मेशन ली जाएंगी कि अगर आप नेशनल सेविंग सेंटर का कोई भी सर्टिफिकेट परचेज कर रहे हैं तो आपसे आपके पास पैसा कहाँ से आया है, कौन से आमदनी के ज़राए हैं। इसी तरह यही रूल प्राइस बॉन्ड्स पर भी इम्प्लीमेंट होगा। प्राइस बॉन्ड्स की आप सेल परचेज करते हैं तो आपको एक फॉर्म जिसको नो योर कस्टमर KYC कहा जाता है उसको फिल आउट करना होगा, उस पर सिग्नेचर करने होंगे। वैसे तो तकरीबन तमाम बैंक्स में ये प्रोफार्मा रेडीमेड होता है और उस पर जस्ट टिक मार्क करनी होती है। उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि आपकी मंथली आमदनी कितनी है, सालाना आमदनी कितनी है, आमदन का जरिया क्या है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो उस KYC में पूछी जाती हैं। तो अब ये कमर्शियल बैंक्स पर भी इम्प्लीमेंट होगा, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट नेशनल सेविंग की कमर्शियल बैंक से परचेज करते हैं, सेल करते हैं या उसका प्रॉफिट हासिल करते हैं तो आपके लिए मैंडेटरी होगा कि आप नो योर कस्टमर प्रोफार्मा फिल आउट करें जो कि AML एंड CFT रूल 2019 के तहत बनाया गया है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या ये आपके लिए खतरा है या ये एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है? अच्छा जी, जिसके पास जो आमदनी के ज़रा हैं वो लीगल हैं, वो कानूनी तरीके से अपना पैसा बना रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और वो नेशनल सेविंग की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए ऑन गोइंग एक्टिविटी है, उन्होंने जस्ट बताना है कि उनके पास आमदन के ज़राए क्या हैं, कितनी आमदनी है उनकी मंथली। और ऐसे लोग जिनके पास आमदनी के गैर कानूनी ज़राए हैं उनके लिए ये थ्रेट है, उनके लिए प्रॉब्लम है कि उनको अपनी मालूमात देनी पड़ेगी। और अब ये है कि उनको क्योंकि उन्होंने इलीगल तरीके से पैसा बनाया हुआ है इसलिए उनको झूठ बोलना पड़ेगा और बैंक्स की कोशिश होती है कि वो कस्टमर के झूठ को पकड़ लें और इसी सिलसिले में ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया है। होपफुली यू लाइक दिस इंफॉर्मेटिव वीडियो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।